जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर 16 फरवरी 2021 का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप MPPSC एंड व्यापम से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए यहाँ पर फ्री प्लान। तो फ्री प्लान में आपके लिए क्या बेनिफिट है तो हम आपके लिए यहाँ पर बता दें। यहाँ पर आपकी वीकली 500 से भी ज्यादा फ्री लाइव क्लास यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसमें आपका डाउट क्लियर किया जाता है। फ्री लाइव क्विज हैं, यहाँ पर 20,000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं, और करेंट अफेयर आपका डेली अभ्यास होता है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में शाम 7 बजे। इन सभी फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करना है अनअकैडमी ऐप प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, और इसमें सिलेक्ट करना है MPPSC एंड व्यापम। ये MPPSC एंड व्यापम सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर रेफरल कोड सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑन अनअकैडमी यहाँ पर आपके लिए क्या है, प्रतीक जैन सर के साथ आपके लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के बेस्ट MPG के फैकल्टी यहाँ पर आपके लिए जो प्रतीक जैन सर है इनके द्वारा यहाँ पर आपका कंप्लीट कवरेज यहाँ पर कोर्स कराया जाता है। यहाँ पर आपका क्या है, क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, जो स्टार्ट हो चुकी हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट डाउट जो है, जो भी डाउट रहता है उसका सॉल्यूशन किया जाता है लाइव क्लास में। कोई PDF नोट्स यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध हैं। इसके बाद यहाँ पर चैंपियनशिप है MPPSC प्री 2020 के लिए। इसमें क्या है, इसमें आपका जो है टॉप थ्री विनर्स के लिए अनअकैडमी के द्वारा तीन टॉप थ्री विनर्स के लिए 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। तो आप भी अभी इसको एनरोल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लें। और MPPSC चैंपियनशिप प्री 2020 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 यानी कि 13 फरवरी को। 13 फरवरी आपके यहाँ पर सही आंसर है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, और विश्व रेडियो दिवस रेडियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रसार के बीच नेटवर्किंग को मजबूत करने का एक माध्यम है। और यहाँ पर देखिए इसका उद्देश्य क्या है, विश्व रेडियो दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, जनता और मीडिया के बीच रेडियो के महत्व को बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाना है। और यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इस दिन को मनाया था। तो ये जो है यूनेस्को ने सबसे पहले जो मनाया था वह 2012 को मनाया था, 13 फरवरी 2012 को। ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 3 यानी कि पाकिस्तान, आपका यहाँ पर सही आंसर है। पाकिस्तान आपका राइट आंसर है। देखिए जो पाकिस्तान की टीम है 14 फरवरी 2021 को साउथ अफ्रीका को 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया है। लाहौर के कच्चाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत हासिल की है, और इसके बाद ही इसके साथ ही पाकिस्तान 100 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान ने 164 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें से 100 जीते हैं और 59 हारे हैं। वहीं भारत 85 मुकाबले जीतकर दूसरे स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है, याद रखना है। 85 मैच भारत ने जीत चुका है अभी तक T20 इंटरनेशनल मैच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किस देश की धाविका है बीट्रिस चेकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो किस देश की धाविका है बताना है आपके लिए, तो
आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 1 यानी कि कैन्या, कैन्या की है यह, कैन्या विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। कैन्या की जो 29 भारतीय धाविका है और उन्होंने 14 फरवरी 2021 को 14 मिनट 43 सेकंड के समय के साथ 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है और इन्होंने मोनाको में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 1 सेकंड का कम समय लिया। उनके नाम पर 3000 मीटर स्टीपल चेज में भी विश्व रिकॉर्ड दर्ज है इनके नाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा गया है देखिए, अमेरिका सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विकल्प नंबर आपका बी यानी कि रोहित चोपड़ा, आपका सही आंसर रोहित चोपड़ा को निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया। देखिए भारतीय मूल के रोहित चोपड़ा को अमेरिकी सरकार ने ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन CFPB का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से 13 फरवरी 2021 को जारी बयान के अनुसार रोहित चोपड़ा अगले 5 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले वे CFPB के में सहायक निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका में शिक्षा विभाग में विशेष सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, कौन, रोहित चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर निम्न में से किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाए हैं, तो चीन को, पाकिस्तान को, सीरिया को या इराक को, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि सीरिया, सीरिया आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यहां पर जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। भारत ने सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने हेतु 2000 टन चावल उपहार के तौर पर दिया है। विदेश मंत्रालय ने 12 फरवरी 2021 को एक बयान में कहा है, क्या कहा है कि 1000 टन की पहली खेप 11 फरवरी 2021 को सीरिया पहुंच गई और विदेश मंत्रालय के अनुसार शेष 1 टन जो चावल की खेप है वह 18 फरवरी तक सीरिया पहुंच जाने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है वह है विकल्प नंबर आपका यहां पर क्या है राइट आंसर, तो विकल्प नंबर आपका यहां पर 6 का राइट आंसर विकल्प नंबर आपका डी यानी कि 13 फरवरी को, 13 फरवरी आपका यहां पर सही आंसर है। देखिए भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत में हर साल 13 फरवरी को स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सरोजिनी नायडू की जयंती को किस के रूप में मनाते हैं, तो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। सरोजिनी नायडू ने देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 13 फरवरी 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई है, कब से, 13 फरवरी 2014 से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितने कर दी है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि 1.25 लाख प्रति माह, विकल्प नंबर 1 आपका यहां पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 12 फरवरी 2021 को कहा है कि एक अहम सुधार के तहत पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा 45,000 रुपए से बढ़ाकर 101.25 लाख रुपए प्रति माह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से दिवंगत हो चुके कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का जीवन आसान होगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है आपका ए, और इसका जो सही आंसर है इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है मारियो द्रागी आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर आपका है। देखिए यहां पर पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के मुख्य
मारियो द्रागी इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने 13 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और 73 वर्षीय मारियो द्रागी सुपर मारियो के रूप में जाने जाते हैं। बता दें पिछले प्रधानमंत्री जोसेफे कोंटे ने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनकी पार्टी ने यूरोपीय संघ रिकवरी निधि की खर्च के लिए योजना पर गठबंधन सरकार के समर्थन को खो दिया था। इस प्रकार यहाँ पर याद रखना है, अगला क्वेश्चन देख लें, ये पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी जो नहर निकलती है यह कहाँ से निकलती है, तो पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न था और आपका सही आंसर था क्या था, राइट आंसर हरी के बांध से। राजस्थान नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरी के बांध से निकाली गई है। यह नहर पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। पंजाब में इस नहर की लंबाई 132 किलोमीटर है और वहां इसे राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है, तो इस नहर को जाना जाता है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये आज का आपका चैलेंज प्रश्न है। क्या है आज का आपका चैलेंज प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है। तो देखिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो इनको महानगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महानगर कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो कितने महानगर हैं यहाँ पर आपके लिए बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। इसके बाद यहाँ पर अचीवर बैच आप देख सकते हैं, यहाँ पर एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए यहाँ पर ये हिंदी मीडियम में है बैच कोर्स है, 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी ज्वाइन करें बैच कोर्स और पाएं एमपीपीएससी की संपूर्ण मार्गदर्शन। ये आप देख सकते हैं, ये जो है दिया है कि कौन सी क्लास कब होती है और यहाँ पर आपके एमपी के टॉप एजुकेटर हैं, कंप्लीट आपका एमपीपीएससी का सिलेबस कवर किया जाता है, पीडीएफ नोट्स भी आपके लिए उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पर आपके देख सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट है, आपकी लाइव क्लास है, यहाँ पर लाइव डाउट क्लियर सेशन होता है, मॉक टेस्ट है और क्वेश्चन भी है आपके 20,000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीडीएफ रिवीजन नोट्स यहां पर हैं, रिकॉर्ड बैच भी हैं, तो इन जब ये सभी जो है प्लस सब्सक्रिप्शन में है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे खरीदना है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपके लिए प्लस पर क्लिक करना है, फिर आपके यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है ये जो है 1 महीने का 3 महीने का 6 महीने का 12 महीने का 24 महीने का अनअकैडमी के द्वारा ये कोर्स है, तो इसमें 10% डिस्काउंट भी है, आप देख सकते हैं 10% डिस्काउंट समेत जन रेफरल कोड यूज करना है, 28 फरवरी तक आप इसको ज्वाइन कर लें, 10% डिस्काउंट आपके लिए यहां पर उपलब्ध है, सुमित जैन रेफरल कोड यूज अवश्य करें। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, एमपीपीएससी एंड व्यापम से संबंधित कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, इससे आपकी अपनी तैयारी बहुत ही मजबूत बन सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहां तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद, जय हिंद।